क्या हुआ गाइस? देखो, हम लोगों ने जो काला कबूतर आजाद किया था, बहुत दिनों के बाद ये आया है। सच में हमारा वाला कबूतर है वो? अरे यार हाँ, ये तो हमारा ही है यार। देखो देखो दूसरी तरफ, नहीं आएगा, नहीं आएगा तला, नहीं आएगा। ये देखो, ये देखो उड़ के, देखो यहीं पे घूम रहा है। ये देखो वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। पहले इसको केज को दरवाजा लगाओ। अरे यार नीचे चले गया, केज को दरवाजा लगाओ। कहाँ चले गया यार? गाइस यहीं पे अभी था, आया था, बहुत दिनों के बाद आया था यार। नहीं नहीं गया, गया नहीं बैठा है। ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो वो, देखो उड़ के सामने चले गया। जाने तो अभी आजाद कर दियो, अभी क्या मतलब है करके? नहीं अभी रहने तो, अभी मत पकड़ो। खैर आया तो सही, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था बट वो आ नहीं पाया। ये देखो हम लोगों का ये कबूतर। तभी इन लोगों को दाना पानी दिए हो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? और आप सभी को ईद मुबारक। आज देखो गाइस ईद का दिन है, तो हम लोगों ने हमारे कबूतरों को, देखो यहाँ पूरा साफ सफाई पहले तो किए हम लोगों ने। और मैंने ना आज इन लोगों के लिए थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से चने लेके आया था, तो इन लोगों को खाने के लिए अभी हम लोग देंगे। तो अभी हम लोग ना इन लोगों को चने खिला रहे हैं। उससे पहले हम लोग देखो यहाँ पे इन लोगों को दाने थोड़े डाल देते हैं। आओ 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 आओ। तो ये देखो इन सभी को हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिए हैं दाने, और बहुत दिनों के बाद इन लोगों के लिए लाए हैं हम लोगों ने चने। तो तलहा इन लोगों को हाथ से खिलाओ चने। तो ये देखो हम लोग इसको ना, इन लोग सभी को हाथ से खिलाएंगे। आओ आओ। तो ये यहाँ पे हो गया है शुरू। भाई चने के इतने भूखे हैं ना, ये चने देख के मतलब इतनी स्पीड में भाग के आते हैं खाने के लिए, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। ये देखो सबसे ज़्यादा तो भाई हमारा ये मकवा, और ये भोला हमारा ब्लैक वाला शिराजी, और वो एक चील वाली, चील वाली को भी बहुत पसंद है। ये दोनों भी अभी अंडे पे आने वाले हैं। देखो कैसा उसको भगा रहा है, सिर्फ उसको भगाया जा रहा है ना किसी तरह, बस ये अंदर अपने पिंजरे में चले जाए अंडे के लिए वापस से। ये देखो यहाँ से फिर से लेके आएगा ये, इसको भगाते भगाते और अंडे के लिए अंदर लेके जाएगा। खैर यहाँ पे अभी तलहा खिला रहा है उसको। तलहा थोड़े से उन लोगों की तरफ भी फेंक दो। अरे बाप रे, अरे बाप रे। चलो ठीक है, अभी देखो इन लोगों को हम लोगों ने यहाँ चने तो खिला दिए, अब इन लोगों को नॉर्मल हम लोग दाना डाल देते हैं खाने के लिए, क्योंकि सिर्फ चने खिलाएंगे तो इन लोगों को चने की आदत हो जाएगी। वो दोनों उन लोगों को मत उड़ाओ यार, खाने दो जरा। तुम क्या करते रहते हो यार? क्या हुआ यार? ये देखो ये दोनों कबूतर लड़ना शुरू कर दे रहे। पीछे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। दोनों दोस्तों मत, लड़ क्यों रहे ये? लड़ते पागल हो गए लोग। गाइज वैसे कल की वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो ये वाला जो हमारा कबूतर है ना भाई, ये उड़ उड़ जा रहा है बार बार, पता नहीं कहाँ से हमारे केज से निकल जा रहा है ये, और उड़ के जा भी रहा है तो रिटर्न वापस आ जा रहा है। इतना अच्छा कबूतर है कि इसको मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं है इसकी, इसको ना पकड़ने वकड़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसा जा रहा है उसी तरह वापस भी आ जा रहा है। ये देखो, अरे 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 अरे, ये कैसे हाथ से मार रहा है? देखो इन दोनों की जोड़ मैंने सोचा था लगाने का, लेकिन दोनों ही नर निकले, लेकिन दोनों एक दूसरे पे कुटक रहे यार। हम लोगों ने गलती से मादी इसकी हटा दी है, और इसकी मादी मर गई, तो उसकी वजह से अभी इन लोगों को अलग ही रखना पड़ रहा है। अब साथ में तो रह रहे दोनों, बट नर मादी नहीं है दोनों, ये दोनों भी नर ही है, मेल है दोनों के दोनों कबूतर। तो भाई तलहा कुछ बोलना चाह रहा है, क्या हुआ? आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक बोलना है? तो भाई तलहा की तरफ से भी सभी को ईद मुबारक। और कुछ बोलना चाहोगे? शर्म आ रही है, शर्मा, अरे शर्मा रहे शर्मा गाइस, शर्म आ रही है इसे। देखो शर्माता भी है तू, ये शर्माता भी है गाइस। देखो ये इसको शर्म भी आती है यार। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो, बहुत ही जल्द मेरे ये कैपेचिनो अंडे देने वाले हैं फिर से। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, इसके भी बच्चे कुछ दिनों में निकलने वाले। देखो अंडा नीचे ही है इसके, इसके भी बच्चे कुछ दिनों में निकल जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ, हमारा ये ब्लैक वाला जो है कहाँ गया? हाँ यहाँ पे, ये देखो इसके नीचे भी कैपेचिनो के अंडे हैं। हमारा एक ही अंडा है, वो जो कैपेचिनो देख रहे हो आप लोग, उसका एक अंडा है, तो वो एक ही अंडे को सेक रहा है, और एक इसका खुद का है। तो हम लोगों ने अंडे एक्सचेंज किया था, आप लोगों ने देखे होंगे पिछली वीडियो, तो आपको मालूम होगा।
कैपेचिनो के इसके अंडे चेंज कर दिए थे हम लोगों ने, एक एक अंडे। तो भाई देखो अपना एक अंडा ये सेक रहा है और एक कैपेचिनो का सेक रहा है। इसके भी बच्चे कुछ दिनों में वापस से निकल जाएंगे, मतलब अंडे से बाहर आ जाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, वो चील वाली जो है हमारी कबूतरनी, तो उसकी जोड़ लग चुकी है इस वाले के साथ में, और इन दोनों की जोड़ लग गई है। और ये बस फ़र्क इतना है, इतनी प्रॉब्लम है बस कि ये जो चील वाली है ना, तो ये अंडे देती नहीं है ये वाली कबूतरनी हमारी। इसको पीछे गांठ आई थी, तो गांठ सही होने के बाद इसने अंडा देना ही छोड़। देखो ये ऐसा पास में आ रही है जैसे मैं इसको छने खिला रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, हाथ खाली है, देख कुछ भी नहीं है हाथ में, खाली हाथ। वो देखो, और वो जो चील वाली है ना, मैंने सोचा अब की बार हमारे कैपेचिनो जो है अंडे सेकते नहीं है, तो इस वजह से इनके ना दोनों अंडे मैं ना चील वाली के नीचे रख दूंगा, क्योंकि चील वाली बहुत ही अच्छे से सेकती है अंडे और बच्चों को खाना वीना भी अच्छे से खिलाती है, जो कि खुद वो अंडे नहीं दे सकती, वो दूसरों के अंडे सेकती है। तो देखो उसके नीचे अब की बार मैं ये दोनों जो है हमारे कैपेचिनो इनके अंडे शिफ्ट करूंगा इंशाल्लाह। बस इंतज़ार है कि बस ये कब वापस से मतलब अंडे पे आए। वाइट वाला देखो मेल फिलहाल तो भाई उसके पीछे ही पड़ा है, बस उसको बार बार देखो अंदर लेके चले जाता है अपने घर के अंदर के अंडे देने के लिए, लेकिन वो अंडे देना ही नहीं चाह रही अभी, पता नहीं कब तक देगी अंडे। खैर देखते हैं, जब भी अंडे देगी तो जैसे कि मैंने आपको बताया चील वाली और वो दोनों कबूतर दिख रहे होंगे आपको, उनके नीचे शिफ्ट कर दूंगा। और ये तुम इसको क्यों पकड़ के बैठे हो, छोड़ दो, उड़ा दो दोनों को। तो दोनों को हम लोग छोड़ दिए, देखो फिलहाल तो भाई इंतजार है तो सिर्फ इनके अंडे देने का। तो गाइस तलहा को मैं क्या बोलूँ, ये अभी भी ना ये उसी कबूतर के पीछे पड़ा है जिसको हम लोगों ने आज़ाद कर दिए थे, और वो उड़ देखो ऊपर उड़ ही रहा है, वो यहीं पे उड़ रहा है हमारे छत के ऊपर, और बार बार वो यहीं आने की कोशिश कर रहा है। तो तलहा उसके पीछे ही पड़ गया, बोले पकड़ के रहूँगा मैं इस कबूतर को, और मुझे नहीं लगता वो पकड़ पाएगा क्योंकि भाई वो कबूतर इतना तेज था। कहाँ पे है वहाँ, वो देखो दूर यहाँ से दिखेगा नहीं आपको कैमरे में, बाकी सामने ही उड़ रहा है, देखो वहाँ पे गया है अभी, जा रहा है सामने। खैर तलहा को तो क्या बताऊँ मैं, ये पकड़ तो पाएगा नहीं, बस कोशिश कर रहा है अपनी नाकाम। ये तुम्हारी नाकाम कोशिशें कब खत्म करोगे, तुम नहीं पकड़ने वाले उसको ना ही, वो कभी पकड़ में आएगा तुम्हारे। उड़ गया है वो, तो उड़ गया है, अब नहीं आने वाला वो। ये देखो ये कौवे लोग ना, तलहा कौओं का बहुत टेंशन है यार, ये कौवे बहुत आ रहे हैं, इन लोगों को ना हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा कौओं का इलाज, क्योंकि हमारे सारे जानवर देखो हम लोग खुले रख रहे हैं ना अभी, तो कौवे बहुत ज्यादा ही आ रहे हैं फिलहाल। तो भाई देखो इन सभी को हम लोगों ने कर दी है दाना पानी, और अभी इनको खुले रखे हैं हम लोग, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो बंद भी नहीं रख सकते ज्यादा, क्योंकि इन लोगों को लगती है बहुत ज्यादा प्यास। और यहाँ पे देखो हम लोगों ने पानी भी रखा हुआ है, तो इन लोगों को प्यास लगती है तो इन लोग जाके पानी पी सके, इसलिए हम लोगों ने इन लोगों को खुला रखे, वरना मैं तो इन लोगों को बंद रखता हूँ ज्यादातर फिलहाल। तो देखो इन लोगों को सबको खुला ही रखूंगा। तो गाइस आज की वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड में, और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और एक और बार आप सभी को ईद मुबारक। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।